What the tech is going on, friends? मेरा नाम है Viking Decoder की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और ये है Noise Buds Play and I actually really loved them because ये मेरे iPad Air 4 के कलर के साथ almost match हो जाता है, which is sick. खैर असली टॉपिक में आते हैं तो ये है Noise की तरफ से न्यू TWS ईयरबड्स और इनको मैंने पास्ट 3-4 दिनों से यूज कर लिया है और इस वीडियो में दोस्तों मैं इसका फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट नीचे जाके कोई भी कमेंट कर दीजिए वीडियो के रिगार्डिंग, एल्गो स्क्वाड का हिस्सा बन जाइए। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारे चांसेस बन जाएगी कि हम भी ग्रो कर ले, बिकॉज हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक है। वेल, कर लिया है देन थैंक यू। तो गाइज ये रहा इसका बॉक्स और पैकेजिंग मुझे एक्चुअली काफी अच्छी लगी। नॉइज ने इस जगह में एक्चुअली काफी अच्छा काम किया है। बॉक्स को ओपन करने के साथ ही हमें ऐसे एक पुल करने का ऑप्शन मिल जाएगा और देन ये जो केस है इसको फिलहाल हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद नीचे हमें मिल जाएगा इसका एक कंटेनर बॉक्स ब्लैक कलर में और इसके अंदर है रोहित शर्मा, नोरा फतेही, इनके तस्वीरें। सो कुछ पेपर वर्क, वारंटी कार्ड, ये सब चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको डेफिनेटली मिल जाएगा इसका टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए और फाइनली इसके एक्स्ट्रा कुछ ईयर टिप्स और ये भी एक्चुअली कलरफुल है जो कि काफी स्वीट बात है। खैर अब हम इन केस पे ध्यान देते हैं और केस काफी कॉम्पैक्ट है और इसमें दोस्तों आपको एक टेक्सचर्ड सा डिजाइन दिया गया है तो काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है और ये काफी लाइटवेट भी है एक्चुअली एंड आप इसको इजीली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं बस एक ही फिंगर से। ये मैग्नेटिक है और काफी स्नैपी भी है। इसके अंदर से हम ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं और ईयरबड्स के डिज़ाइन काफ़ी क्यूट है। ईयरपॉड्स की कॉपी मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। बाय द वे ये ग्लॉसी प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई भी चीप फीलिंग आपको यहाँ पर नहीं होगी और जो ईयर टिप्स है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो पेयर करने के लिए आप बस अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को ऑन कीजिए और कुछ ही देर बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपके TWS को डिटेक्ट कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट ऑफकोर्स आप किसी भी फोन में मैनुअली ब्लूटूथ ऑन करके भी पेयर कर सकते हैं। अब क्विकली जेस्टर्स में आपको दिखा देता हूँ। तो किसी भी एक ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे देन आप प्ले पॉज कर सकते हैं और इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। लेफ्ट ईयरबड को अगर आप सिंगल टैप करेंगे देन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा काफी आसानी से एंड सिमिलरली अगर आप राइट ईयरबड को सिंगल टच करेंगे देन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। राइट ईयरबड को अगर आप टच एंड होल्ड करेंगे देन आप सॉन्ग को स्किप कर सकते हैं और लेफ्ट ईयरबड को अगर आप सिमिलरली होल्ड करें देन आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं, हालांकि ये टास्क आपको 2 बार परफॉर्म करना होगा। और किसी भी ईयरबड को आप ट्रिपल टैप करके अपने फोन के वॉइस असिस्टेंट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, तो शुरू में मैं इसके एक हाइलाइटिंग फीचर को लेकर बात करता हूँ जो कि है इन ईयर डिटेक्शन। तो सपोज आप इन ईयरबड्स को कान में डाल के मस्त होके एकदम गाना सुन रहे हो और अचानक से आपको लगा कि आपकी मम्मी आपको पुकार रही है, देन आप सिंपली इन TWS को ऐसे कानों से निकाल सकते हो और आपका म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। बात करने के बाद फिर से इनको पहन लो और आपका म्यूजिक फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है एंड आई थिंक ये डेफिनेटली मैं हमेशा यूज करने वाला हूँ और ये फीचर एक्चुअली काफी अच्छी से ट्यूनिंग किया गया है। मैंने हर बार इसको ट्राई किया था और ये हर बार परफेक्टली काम कर रहा था। इवन मैं जब लेट के इनको निकाल रहा था दोस्तों तब भी ये काम कर रहा था। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है और नॉइस ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं इनके कंफर्ट के बारे में। तो आज तक मैंने इस रेंज में जितने TWS ईयरबड्स को ट्राई किया है ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है और मैं इसको कान में डाल के बहुत ही लॉन्ग सेशन तक गाना सुन पा रहा था। तो दोस्तों कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ईयर टिप्स आपको दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेना, बहुत ही सॉफ्ट है एंड ओवरऑल दोस्तों कंफर्ट के लेवल में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये स्प्लैश प्रूफ भी है तो हल्के हुल्के पानी के बूंदों से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर वेरी वेरी लाउड, बहुत ही लाउड आपको यहाँ पर ऑडियो मिल जाती है और अच्छी बात यह है कि एकदम 100% वॉल्यूम में भी मैंने कोई खास डिस्टॉर्शन यहाँ पर नजर नहीं की। अब बात करते हैं ऑडियो क्लैरिटी के बारे में। तो ओवरऑल इसका जो ऑडियो प्रोफाइल है वो मुझे एक्चुअली काफी बैलेंस लगा। सबसे पहले अगर मैं इसके वोकल्स के बारे में बात करूँ देन वोकल्स एक्चुअली काफी क्लियर है और आप अच्छे से उनको सुन पाओगे, सेपरेशन काफी अच्छी बन जाती है तो आप मस्त होके एकदम गाना सुन पाओगे या फिर यूट्यूब में वीडियो देख पाओगे। एंड यस, मैंने यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग की है, कोई भी यहाँ पर लैटेंसी नहीं है तो लिप सिंकिंग एकदम परफेक्ट है। बट हाँ, गेमिंग के लिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, उनके लिए अलग एक कैटेगरी होती है, बट म्यूजिक लिसनिंग पर्पस से दोस्तों कोई भी यहाँ पर सिंकिंग इशू आपको नहीं फेस होगी। अब बात करते हैं हाई पिच के बारे में।
तो सपोज आपकी जो ट्रेबल्स है या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जो बात काफी अच्छी लगी कि ये बहुत ही शार्प एक ऑडियो आउटपुट दे रहा था। शार्पेस्ट नहीं ऑफ कोर्स, बट काफी शार्प था प्राइस के अकॉर्डिंग और मुझे एक्चुअली सुनने में काफी मजा आ रहा था। तो सपोज आप एक ऐसा गाना सुन रहे हो जहां पर वोकल्स भी है और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी हाथ है बैकग्राउंड में, तो काफी अच्छे से आप सेपरेशन कर पाओगे और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी काफी आपको शार्प सुनाई देंगे। तो मुझे पर्सनली इसका ऑडियो क्लैरिटी यहाँ पर काफी अच्छा लगा। अब बात करते हैं बेस के बारे में, एंड सरप्राइजिंगली दोस्तों यहाँ पर बेस भी काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। यूजुअली जिन ईयरबड्स में ट्रेबल शार्प होता है वहां पर बेस उतना तगड़ा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेस भी काफी अच्छा मेंटेन किया गया है। तो आप डेफिनेटली गाना में जो एक डेप्थ है उसको फील कर पाओगे, आपको दोस्तों यहाँ पर बेस सुन के मजा आएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ट्रेबल से कोई भी लेना देना नहीं, सिर्फ एकदम बेस बेस, उनको शायद पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सच में ऑडियो क्लैरिटी को प्रेफर करते हो, देन आई थिंक ये काफी अच्छा ऑडियो डिलीवर कर। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी में दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई भी शिकायत नहीं है। अब इन TWS ईयरबड्स में आपको क्वाड माइक एरे दिया गया है, दोनों में ही दो दो करके माइक, और यहाँ पर दोस्तों आपको ENC का फीचर भी दिया गया है जो कि है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। इससे क्या होता है कि जब भी आप माइक को ऑन करते हो तो आपके आसपास के सराउंडिंग में जो एक एनवायरमेंटल नॉइज है वो काफी हद तक आइसोलेट हो जाता है। नॉइज यहाँ पर क्लेम करता है कि -25 डेसिबल्स तक यहाँ पर आपका आइसोलेट हो जाएगा। और मुझे दोस्तों ओवरऑल इसका माइक काफी अच्छा लगा, मैंने इसको यूज करके काफी सारे कॉल्स लिए थे और कॉल की क्वालिटी दोस्तों काफी यहाँ पर क्लियर थी। अब बात करते हैं इनके बैटरीज के बारे में, तो मैं हमेशा अराउंड 70-80% वॉल्यूम में डाल के गाना सुनता हूँ और उस यूजेज को अगर आप मेंटेन करोगे देन आपको इजीली अराउंड 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सॉलिड बैटरी लाइफ है। तो इजीली दोस्तों बैटरी की तरफ से बहुत ही अच्छे है। हाँ, यहाँ पर आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप एक बार इन TWS को चार्ज करते हो अपने केस के थ्रू देन आप ऑलमोस्ट 3 आवर्स से ऊपर यूज कर पाओगे। तो हाँ, बैटरी लाइफ दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी, हालांकि क्विक चार्ज का फीचर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, तो करंटली ये अवेलेबल होंगे 2999 रुपीज में, और इस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है, एक लाइट वेट डिजाइन दिया गया है, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है, आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर दिया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी और बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। तो 3000 रुपीज में दोस्तों मैं डेफिनेटली इनको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो देन जल्दी खरीदना, बिकॉज बाद में जाके इनके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे और तब दोस्तों आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट 3000 रुपीज में मुझे पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। बट दोस्तों आपको कैसा लगा कॉमेंट करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।